दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ इलेक्ट्रिकल एसिंक्रोनस मोटर वर्क्स। इलेक्ट्रिकल में एसिंक्रोनस मोटर काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर भी दोस्तों एक इंडक्शन मोटर होता है। ये जो एसिंक्रोनस मोटर होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एसिंक्रोनस मोटर जो होता है दोस्तों, ये सिंक्रोनस मोटर की तरह ही इंडक्शन मोटर होता है। सिर्फ इसके रोटर के अंदर दोस्तों डीसी सप्लाई, मतलब दोस्तों एडिशनल डीसी पावर देने की जरूरत नहीं पड़ता है। पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर के स्टेटर के अंदर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों स्टेटर के अंदर दोस्तों एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, रोटर के अंदर भी दोस्तों एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, उसके बाद रोटर को रोटेट करने लगता है। ये जो मैकेनिकल फोर्स या टॉर्क होता है दोस्तों, रोटर को रोटेट करने लगता है। उसके बाद दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर कुछ काम कर पाता है। एसिंक्रोनस मोटर जो होता है ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, कॉस्टली भी नहीं होता है, और इसका एफिशिएंसी भी बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है। और दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर के अंदर दोस्तों स्लिप रिंग और दोस्तों ब्रशेस की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एसिंक्रोनस मोटर का दोस्तों जो रोटर होता है वो कम स्पीड में रोटेट होता है। और ये जो एसिंक्रोनस मोटर होता है, ये हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में दोस्तों रन करता है। एसिंक्रोनस मोटर के ऊपर हम लोग जब दोस्तों ज़्यादा लोड दे देते हैं, तब दोस्तों उसके स्पीड जो होता है डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है।